नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सारे मामले जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं वो खुलकर सामने आए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जब से पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज करवाया, तब से कई सारे मामले ऐसे आए जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब खबर ये आ रही है कि जब पटना पुलिस मुंबई पहुंची है तो रिया चक्रवर्ती लापता हो गई है, उनका मोबाइल बंद आ रहा है और पटना पुलिस कोई भी संपर्क नहीं साध पा रही है। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार पुलिस की जांच अब गति पकड़ चुकी है। पुलिस को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं, लेकिन रिया लापता हो गई है। जी हां, रिया का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस का उनसे मोबाइल पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। रिया चक्रवर्ती का मोबाइल बंद आ रहा है और वे लापता हो गई है। सूत्र बताते हैं कि बिहार पुलिस रिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करने पर विचार कर रही है। इसी बीच जांच को गई बिहार पुलिस की टीम को मुंबई पुलिस से मिल रहे असहयोग की समस्या पर विचार तथा आगे की रणनीति तय करने के लिए बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अहम बैठक भी की है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती गायब हो गई है। जी हां, जहां पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने FIR दर्ज करवाया, उनसे इंटरोगेट करना था बिहार पुलिस को, जांच काफी ज्यादा होनी थी, बातें पूछनी थी, उसी बीच में रिया चक्रवर्ती गायब हो जाती हैं, उनका मोबाइल बंद हो जाता है और ये पता ही नहीं है कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार है कहां कि पुलिस उनसे जाकर पूछताछ कर पाए। लेकिन खबर ये बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जल्द ही लुकआउट नोटिस जारी करने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज करवाया, जहां पर सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने ये बताया कि रिया चक्रवर्ती उन्हें कुछ दवाइयां देती थी जो उनसे बिना पूछे ही दी जा रही थी। साथ ही साथ सुशांत के लाइफ को रिया कंट्रोल करती थी, उनके बैंक अकाउंट को रिया और उनके परिवार वाले मिलकर कंट्रोल किए हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत के खाते से कई बार रकमों की हेराफेरी हुई है, करीब 15 करोड़ रुपए उड़ा लिए गए हैं, ऐसा इल्ज़ाम है सुशांत के पिता के सिंह का। साथ ही साथ बड़ा इल्ज़ाम रिया पर यह भी लगाया है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। कई सारी धाराएं के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर लगाई हैं और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने भी देश के सबसे बड़े वकील माने जाने वाले जिन्होंने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान के केसेस को लड़ा है, उन्हें हायर किया है। अब ये खबर आ रही है कि जब बिहार पुलिस छानबीन करने के लिए पटना की 4 सदस्यीय टीम पहुंची है, तब रिया चक्रवर्ती गायब हो गई है, उनका मोबाइल बंद आ रहा है और लुकआउट नोटिस जारी करने की बात की जा रही है। तो केस में हर रोज़ नए मोड़ आ रहे हैं, नए मामले सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती गायब हो गई है, पटना पुलिस को ये पता नहीं चल पा रहा है कि रिया चक्रवर्ती आखिरकार कहाँ है, फ़ोन बंद आ रहा है और ये विचार हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि रिया खुद ब खुद सामने आती है या फिर पटना पुलिस पूरी मुंबई खंगाल देती है रिया चक्रवर्ती को ढूंढने के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।